आई वॉन वेलकम टू द कंप्लीट डी एस ए सीरीज जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं अबाउट सॉटिंग

शॉर्टिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग आर डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर बेसिकली अगर हमारे पास कोई रैंडम डेटा है हम जेनरली जब भी सॉर्टिंग की बात करते हैं हम नंबर्स का एग्जाम्पल लेते हैं अगर हमारे पास नंबर्स हैं फाइव टू थ्री एंड वन तो इन्हें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर शॉर्ट करने का मतलब होगा कि हम इन्हें इंक्रीजिंग फैशन के अंदर लिखें एंड डिसेंडिंग के अंदर शॉर्ट करने का मतलब होगा कि हम इन्हें

अपने एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके जो भी लार्जर एलिमेंट है उसे हम लास्ट में पुश करने की कोशिश करेंगे यूजिंग स्वॉप्स

तो पहले हम फोर एंड वन को कंपेयर करेंगे फोर एंड वन को कंपेयर करेंगे तो हमें पता है फोर बड़ा है तो फोर को पीछे आना चाहिए तो दोनों एलिमेंट्स को हम स्वॉप कर देंगे स्वॉप करने का मतलब है वन आगे आ जाएगा फोर पीछे चला जाएगा एंड फाइव टू थ्री उसके बाद हम फोर एंड फाइव यानी पहले जीरो और वन इंडेक्स को कंपेयर किया अब हम वन एंड टू इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं फोर फाइव को कंपेयर करेंगे कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा तो हमारा एरे वैसे का वैसा होने वाला है उसके बाद हम इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे यहां पर हमें पता है टू छोटा है तो टू पहले आ जाएगा फाइव बाद में चले जाएगा उसके बाद हम इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें पता है वन फोर टू थ्री आगे आ जाएगा फाइव पीछे चला जाएगा और एट दी एंड हम नोटिस करेंगे कि हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको हमने कहाँ पुश कर दिया है उसको हमने एरे के लास्ट में पुश कर दिया है तो फर्स्ट आइटरेशन में हम अपने फर्स्ट लार्जेस्ट यानी सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को एरे के लास्ट में पुश कर देते हैं है। मतलब तो exactly है? पहुंच है, तो गया है हमें बेसिकली बचे हुए एलिमेंट्स को स्वॉप करना है तो बचे हुए एलिमेंट्स को स्वॉप करने के लिए पहले वन और फोर को चेक करते हैं वन फोर अपनी सही जगह पर है उसके बाद हम फोर एंड टू को चेक करेंगे तो फोर टू सही जगह पर नहीं है टू आगे आ जाएगा फोर पीछे चला जाएगा उसके बाद हम फोर एंड थ्री को चेक करेंगे तो वन टू थ्री आगे आ गया जाएगा फोर पीछे चला जाएगा फोर और फाइव को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाइव ऑलरेडी सही जगह पर था अब फोर भी अपनी सही जगह पर पहुंच गया तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सेकेंड आइटरेशन में हमने अपने दो लार्जेस्ट एलिमेंट को अपनी सही जगह पर पुश कर दिया है उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विद आर थर्ड आइटेरेशन लेट अस रिमूव दिस एंड इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज सो दिस इज़ आर थर्ड आइटेरेशन थर्ड आइटेरेशन में इसी एरे के साथ हम स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव अब इवन दो ये जो एरे है ये ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है पर हमारा जो बबल सॉर्ट है वो एग्जैक्टली एन माइनस वन टाइम्स ही लूप रन करता है तो फिर भी हम अपने कंपेरिजन को रोकेंगे नहीं हम यहाँ पर वन और टू को कंपेयर करेंगे तो हमारा ऑर्डर वही रहेगा यानी वन टू थ्री फोर फाइव फिर हम टू एंड थ्री को कंपेयर करेंगे तो भी ऑर्डर वही रहेगा यानी वन टू थ्री फोर फाइव अब क्योंकि फोर फाइव सही जगह पर थे तो थ्री और फोर को हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है जैसे ये आईटेरेशन खत्म होगी मतलब थर्ड आईटेरेशन में हमारे तीन लार्जेस्ट एलिमेंट सही जगह पर आ चुके हैं फिर स्टार्ट होगी हमारी फोर्थ आइटेरेशन फोर्थ आइटेरेशन के अंदर स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर एरे दोबारा से तो हमारे पास है वन टू थ्री फोर फाइव अब हमें सिर्फ वन और टू को कंपेयर करना है क्योंकि थ्री फोर फाइव तो अपनी सही जगह पर है तो वन टू को कंपेयर करेंगे तो हमारा एरे वैसे का वैसा रहेगा तो इस तरीके से हमने अपने

आई इज इक्वल टू वन के लिए टोटल नंबर ऑफ़ कंपेरिजन थ्री होने चाहिए आई इज इक्वल टू टू के लिए टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन टू होने चाहिए एंड सिमिलरली आई इज इक्वल टू थ्री के लिए टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन वन होने चाहिए अब क्या हम कोई पैटर्न निकाल सकते हैं जिससे हमारी आई की वैल्यू से हमें टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन पता चल जाए डेफिनेटली निकाल सकते हैं एंड दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट कि हमारा इनर लूप कितनी बार रन करना चाहिए ताकि हर लूप में हर आइटरेशन में इतने ही कंपेरिजन हो ये बहुत ईजी होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस डी सीरीज का पैटर्न वाला चैप्टर किया है क्योंकि उस चैप्टर के अंदर हमने इससे भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व किया है बेसिकली क्या

एंड हर बार हम किसे कंपेयर कर रहे हैं हर बार बेसिकली हम कंपेयर करना चाहते हैं अपने जेथ एलिमेंट को अपने जे प्लस वन इथ एलिमेंट के साथ अगर हमारा लूप हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमें पता है हम अपना कंपेरिजन हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं तो हम जीरो इथ इंडेक्स वाले एलिमेंट को हमेशा कंपेयर करते हैं फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को हमेशा हम कंपेयर करते हैं सेकेंड इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ तो हमेशा जेथ एलिमेंट को अगर एरे ऑफ जे की वैल्यू बड़ी हो जाती है एरे ऑफ जे प्लस वन से इसका मतलब है अगर आगे वाले इंडेक्स पे बड़ा एलिमेंट है तो मतलब दोनों को हमें स्वाप करना है तो स्वॉप करने के लिए सी प्लस प्लस के अंदर वी हैव अ डायरेक्ट फंक्शन जिसमें हम अपनी दोनों वैल्यूज पास कर सकते हैं यानी एरे ऑफ जे एंड एरे ऑफ जे प्लस वन एंड इससे इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास स्वप होकर आ जाएंगी तो हमारा जो ओवरऑल सूडो कोड वाला लॉजिक दिखता है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसके अंदर हम बार बार एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा यहाँ हमारा ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो बार बार हम एलिमेंट्स को स्वाप करते हैं कंपेयर करते हैं और अपने लार्जेस्ट एलिमेंट को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं तो एक बार बबल सॉर्ट के लिए अपना कोड लिखते हैं कोड के अंदर वी ऑलरेडी हैव एन एंड वी ऑलरेडी हैव आर एरी तो एक फंक्शन बनाते हैं वाइड बबल सॉर्ट बबल सॉर्ट के अंदर वी आर गोइंग टू गेट इंटीजियर एरी एंड उसके साथ में एरी का साइज बबल सॉर्ट के लिए हमें एक लूप चलाना है जो आई जीगल टू जीरो से स्टार्ट होता है i लेस देन n माइनस वन आई प्लस प्लस उसके साथ में वी विल स्टार्ट द सेकेंड लूप फ्रॉम j इक्वल जीरो जे लेस देन n माइनस आई माइनस वन जे प्लस प्लस एंड हर बार हम चेक करेंगे अगर हमारा एरिया ऑफ j ग्रेटर देन हो गया एरे ऑफ j प्लस वन से तो उस केस में हमें स्वॉप करना है अपने एरिए ऑफ j को विद एरिया ऑफ j प्लस वन एंड इस तरीके से हमारा बबल सॉट का लूप जो है वो कम्पलीट हो जाएगा टाइम कम्पलेक्सिटी की अगर बात करें तो टाइम कम्पलेक्सिटी वाले चैप्टर के अंदर इसी तरीके का लूप हमने ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ है हमें पता है हमारा आउटर लूप एन टाइम्स रन करता है ऑन एवरेज जब बाहर वाला लूप एक बार रन करेगा तो हमारा इनर लूप एन टाइम्स रन करेगा तो बाहर वाला लूप अगर एन टाइम्स रन करेगा तो हमारा इनर लूप एन इन टू एन टाइम्स रन करेगा तो दैट इज वाई द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉट इज एन स्क्वेर तो जब भी कोई बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछे इट इज़ गोइंग टू बी एन स्क्वेयर अब सॉर्टिंग अलगोर्दम्स के लिए एन स्क्यर कोई अच्छा टाइम नहीं है हमारी जो एफिशिएंट सॉल्टिंग एल्गॉर्दम्स होती हैं वो एन लॉग इन के अंदर वर्क करती हैं तो एन लॉग इन बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसके अंदर हमारा मर्ज सॉर्ट आ जाता है जिसके अंदर हमारा एमोटाइज या एवरेज क्विक सॉर्ट का टाइम आ जाता है तो वो डेफिनेटली बेटर सॉर्टिंग एलगोर्दम्स हैं पर यहाँ पर हमने बबल सॉर्ट को देख लिया है तो ये हमारा कोड हो गया बबल सॉर्ट का इसके अलावा लेट अस क्रिएट वन मोर फंक्शन कॉल्ड प्रिंट एरे जिसके अंदर हम अपने एरे को प्रिंट करवाने का काम करेंगे वी आर गोइंग टू राइट द सेम लूप लेस देन एन हर बार हम सी आउट कर देंगे अपने एरे ऑफ आई को विथ सम स्पेस एंड सी आउट एंड ऑफ लाइन। लेट्स सेव इट एंड लेट्स कॉल बबल सॉर्ट फॉर आर एरे एंड एन एंड उसके बाद हम प्रिंट एरे को कॉल करेंगे फॉर आर एरे एंड एन

ऑलरेडी अगर कोई सॉर्टेड एरे भेजा जाएगा फॉर एग्जाम्पल हमारे सॉर्टेड एरे के अंदर हम भेजेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो हमारा बबल सॉर्ट इस एरे के ऊपर भी रन करता रहेगा मतलब ऑन एवरेज इसके ऊपर भी हमारे जो एवरेज एन स्क्वायेर ऑपरेशन है वो परफॉर्म होने वाले हैं लेकिन ये ऑलरेडी सॉर्टेड है हम नहीं चाहते कि हम एन स्क्वायेर ऑपरेशन या एन स्क्वायेर का लूप अपने सॉर्टेड एरे के ऊपर रन होने दें तो बबल सॉर्ट के अंदर हम एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं विच इज बेसिकली यूजिंग अ बुलियन वेरिएबल कॉल्ड इज सोप इस स्वॉप को इनिशियलाइज कर सकते हैं हम विथ फॉल्स वैल्यू बेसिकली इस स्वॉप से हम ट्रैक कर रहे हैं कि क्या हमारा जब इनर लूप चला तो हमारे कोई ना कोई एलिमेंट्स स्वॉप हुए क्योंकि स्वॉपिंग कब होती है स्वॉपिंग तब होती है जब एलिमेंट्स गलत जगह पर होते हैं मतलब यहाँ पर इस एरिए के अंदर अगर यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास होता कि फोर यहाँ है थ्री यहाँ है तो इन दोनों की एडजस्ट एलिमेंट्स की स्वॉपिंग होती स्वॉपिंग होने का मतलब है यहाँ थ्री आ जाता है या फोर आ जाता है जिसका मतलब है ओरिजिनल एरे सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं था लेकिन अगर हमें पता चलता है हमने पूरा का पूरा एक लूप चलाया पर हमारे एरे के अंदर कोई स्वॉपिंग ही नहीं हुई जो इस सॉर्टेड एरे के अंदर नहीं होगी तो जब भी हमें पता चलता है हमारे एरे के अंदर कोई स्वॉपिंग हुई ही नहीं उसका मतलब है एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर अरेंज हैं मतलब हम अपने बबल सॉर्ट को रोक सकते हैं तो यहाँ पर ये इस स्वॉप वेरिएबल यही ट्रैक करने का काम करेगा कि स्वॉपिंग हो रही है नहीं हो रही शुरुआत में हम अज्यूम करें कोई स्वॉपिंग नहीं हो रही पर जैसे ही कोई स्वॉपिंग हो जाती है तो वहाँ पर हम इस स्वॉप को कर देते हैं ट्रू के इक्वल एंड फिर इस लूप के बाद हम चेक कर सकते हैं कि अगर इस स्वॉप एक फॉल्स वैल्यू है मतलब कोई स्वॉपिंग नहीं हुई हमारे इनर लूप के अंदर तो इसका मतलब है हमारा एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड और एरे अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम चाहें तो यहीं से कर सकते हैं रिटर्न तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन हमने ऐड किया है बबल सॉट के अंदर इसके बाद भी हमारे बबल सॉट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ही रहती है पर उन पर्टिकुलर रेयर केसेस के अंदर जहां पर हमारा एरिया ऑलरेडी सॉर्टेड होता है हमें एक्स्ट्रा चेक्स परफॉर्म नहीं करने पड़ते जिसकी वजह से हम ऑन एवरेज अपना जो कोड है उसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर पाते हैं सो दिस इज हाउ आर बबल सॉट एल्गोरिथम वर्क्स नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपनी सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में तो सिलेक्शन सॉर्ट इज काइंड ऑफ द ऑपोजिट ऑफ बबल सॉर्ट इसके अंदर हम क्या करते हैं हम अपने एरे को इमेजिन करते हैं इनटू टू पार्ट्स एक पार्ट को हम अपना सॉर्टेड पार्ट कहते हैं एंड एक पार्ट को हम अपना अनसॉर्टेड पार्ट कहते हैं एंड व्हाट डू वी डू अपने अनसॉर्टेड पार्ट से हमारा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसे हम पिक करके अपने सॉर्टेड पार्ट के अंदर लेकर आने की कोशिश करते हैं तो लॉजिकली सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम अपने एन माइनस वन आइटेरिएशन के अंदर मतलब एन माइनस वन टाइम्स लूप चलाकर अपने एन माइनस वन स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं तो एग्जैक्टली exactly क्या करते हैं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एरे हम क्या करेंगे फोर वन फाइव टू थ्री शुरुआत में क्योंकि हमारा पूरा का पूरा गिवन एरे सॉर्टेड है तो हम क्या करते हैं अपने पूरे के पूरे गिवन एरे को अनसॉर्टेड अज्यूम करते हैं और इस अनसॉर्टेड एरे से हम स्मोलेस्ट एलिमेंट पिक करते हैं यानी हम एक पूरा लूप चलाएंगे और चेक करेंगे विच वन ऑफ देम इज देर स्मॉलेस्ट एलिमेंट डेफिनेटली वन इज द स्मोलेस्ट एलिमेंट और इस एलिमेंट को हम इसकी सही पोजिशन यानी जीरो इंडेक्स पर प्लेस कर देंगे तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जीरोविथ इंडेक्स पर प्लेस करने के लिए वी स्वॉप इट विद द जीरो इंडेक्स एलिमेंट यानी यहां पर वन आ जाएगा यहां पर फोर आ जाएगा एंड फाइव टू थ्री तो इवेंचुअली हमारे पास ये एरिया आ जाएगा जिस एरिया के अंदर हमारे पास ये अब हमारा सॉर्टेड पार्ट बन गया एंड बचा हुआ एरिया हमारा अनसॉर्टेड एरिया उसके बाद इसी सेम प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं यानी दोबारा से अपने अनसॉर्टेड हिस्से पर एक लूप चलाकर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं और इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम शुरुआत के एलिमेंट के साथ स्वॉप कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू हो जाएगा टू को जब हम स्वॉप करेंगे तो टू फोर के साथ स्वॉप होगा यानी सॉर्टेड पार्ट को हम टच नहीं करते अनसॉर्टेड के ही फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को स्वॉप कर देंगे तो यहां पर हमारे पास टू आ जाएगा यहां पर हमारे पास फोर आ जाएगा तो इवेंचुअली हमारा एरे बन जाएगा वन टू फाइव फोर एंड 3 के इक्वल अब ये हमारा सॉर्टेड हिस्सा हो गया एंड दिस इज द अनसॉर्टेड पार्ट अब दोबारा से अनसॉर्टेड पार्ट के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेकर आएंगे और उसे फर्स्ट अनसॉर्टेड के साथ स्वॉप कर देंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा यहां पर 5 आ जाएगा तो स्वॉपिंग के बाद हमारा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा तो दिस बिकम्स आर सॉर्टेड पार्ट एंड दिस बिकम्स आर अनसॉर्टेड पार्ट अब दोबारा से अनसॉर्टेड पार्ट में से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालेंगे विच इज ऑलरेडी इक्वल टू फोर एंड उसे इसी पोजिशन के साथ स्वॉप करेंगे तो फोर को आज सच हमें स्वॉप करने की जरूरत नहीं है वो यहीं पर रहेगा बट डेफिनेटली हम ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैलकुलेट जरूर करेंगे तो इवेंचुअली हमारा जो एरे होगा वो एक सॉर्टेड एरे बन जाएगा जिसमें सारा का सारा हिस्सा सॉर्टेड कंपोनेंट का है तो शुरुआत हम करते हैं एक अनसॉर्टेड एरे के साथ धीरे धीरे उससे सॉर्टेड जो अपने एलिमेंट्स हैं उन्हें निकालना स्टार्ट करते हैं और इवेंचुअली हमारा पूरा का पूरा एरे एक शॉर्टेड एरिया बन जाता है तो हाउ डज सिलेक्शन सॉर्ट वर्क सिलेक्शन सॉर्ट के लिए बेसिकली हमें अपने एन माइनस वन स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स निकालने हैं यानी हमने अपना फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाला फिर सेकंड निकाला फिर थर्ड निकाला फिर फोर्थ निकाला तो एन माइनस वन स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को अगर हम शुरुआत में रख देंगे तो लास्ट वाला तो लार्जेस्ट एंड में आ ही जाएगा तो हम अपना जो आउटर लूप है उसे एन माइनस टाइम्स रन करते हैं तो आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन माइनस वन आई प्लस प्लस हर बार हम क्या करते हैं हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो अनसॉर्टेड एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट है यानी फोर को हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट अज्यूम कर सकते हैं और बाकियों को अब हम फोर के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे सिमिलरली यहां पर अगर ये अनसॉर्टेड हिस्सा है तो इसमें हम अज्यूम करेंगे कि फोर हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इस हिस्से के अंदर हम अज्यूम करेंगे कि फाइव हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और इसे बाकी एलिमेंट्स के साथ हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली आई इज इक्ल टू जीरो के लिए हम एलिमेंट को स्मॉलेस्ट एज्यूम कर रहे हैं आई इजल टू वन के लिए फर्स्ट एलिमेंट को स्मॉलेस्ट एज्यूम कर रहे हैं आई इज इक्वल टू टू के लिए सेकंड एलिमेंट को स्मॉलेस्ट एज्यूम कर रहे हैं तो लेट अस क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड स्मॉलेस्ट इंडेक्स यानी किस इंडेक्स पर हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है आई एथ इंडेक्स पर हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है फिर हम एक लूप चलाते हैं अपने अनसॉर्टेड हिस्से पर जिसके अंदर हम अपने सारे एलिमेंट्स को स्मॉलेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो फॉर जे इज इक्वल टू हमारा अनसॉर्टेड हिस्सा कहां से शुरू होता है आई एट एलिमेंट को तो ऑलरेडी हमने स्मॉलेस्ट एज्यूम कर लिया तो बचे हुए एलिमेंट्स के, के, के लिए चेक करने के लिए हमें आई प्लस वन से लूप स्टार्ट करना पड़ेगा यहां पर भी बचे हुए एलिमेंट्स के लिए चेक करने के लिए हमें आई प्लस वन से लूप स्टार्ट करना पड़ेगा तो जे इज इक्वल टू आई प्लस वन से हम लूप स्टार्ट करते हैं जब तक जे इज लेस देन एन हर बार कर देंगे जे को प्लस प्लस हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि अगर हमारा एरे ऑफ जे हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट से भी छोटा हो गया यानी इफ दिस इज लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ स्मॉलेस्ट या इसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स को हम लिख देते हैं इंडेक्स si. वाले एलिमेंट से भी अगर हमारी वैल्यू छोटी हो गई तो हम स्मॉलेस्ट इंडेक्स को अपडेट करके कर देंगे टू जे लेट अस रिमूव दिस एंड इसे हम ले आते हैं यहां पर तो इस तरीके से एक सिंगल लूप लगाकर हम क्या करते हैं हम हर बार अपने अनसॉर्टेड हिस्से से अपना स्मॉलेस्ट इंडेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एंड लास्ट में हमारा जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स आएगा उसे हम अपने आई के साथ स्वॉप कर देंगे तो लास्ट में जाकर हम अपना स्वॉप वाला एक्शन परफॉर्म करते हैं वी स्वॉप एरे ऑफ आई विथ एरे ऑफ स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्योंकि हर बार आई क्या हो जाता है हर बार आई हमारे अनसॉर्टेड हिस्से का स्टार्ट बन जाता है सो दिस इज हाउ आर सिलेक्शन सॉर्ट इज गोइंग टू वर्क इसके लिए एक बार कोड लिखकर देखते हैं तो सिलेक्शन सॉर्ट के कोड के लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर फंक्शन कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट इस फंक्शन के अंदर एक हम अपना एरे ले लेंगे एज अ पैरामीटर एंड एक अपने एरे का साइज ले लेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के लिए हमारा जो आउटर लूप है वो i इज इक्वल टू जीरो से लेकर i लेस देन n माइनस वन आई प्लस प्लस तक जाएगा एंड हम सबसे पहले अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट के इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे ना स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे अनसॉर्टेड पार्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स होगा विच इज इक्वल टू आई उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर इनर लूप जिसमें हम सारे के सारे बचे हुए अनसॉर्टेड हिस्से पर ट्रिवर्स करेंगे और अपने स्मॉलेस्ट इंडेक्स को चेक करेंगे कि यही स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स है या नहीं है तो जे इज इक्वल टू आई प्लस वन जे लेस देन एन जे प्लस प्लस अगर कभी भी हमें ऐसा एरिया ऑफ जे मिल जाता है जिसकी वैल्यू लेस देन एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट इंडेक्स हो जाती है तो उस केस में जे हमारा स्मॉलेस्ट इंडेक्स बन जाएगा तो हम स्मॉलेस्ट इंडेक्स को अपडेट करके कर देंगे इक्वल टू जे एंड जैसे ही हमारा ये लूप खत्म होगा मतलब हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई है उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम स्वप कर सकते हैं एरिया ऑफ आई के साथ तो एरिया ऑफ आई यानी अनसॉर्टेड हिस्से के स्टार्ट में हम अपने स्मॉलेस्ट इंडेक्स को प्लेस कर देंगे और अगर एरे ऑफ आई ही स्मॉलेस्ट इंडेक्स था तो हम यहाँ पे बेसिकली एरे ऑफ आई को एरे ऑफ आई के साथ ही स्वप कर रहे होंगे जिस केस में हमारे एरे के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा सो दिस इज हाउ द कोड फॉर सिलेक्शन शॉर्ट वर्क इसके अंदर हमारा आउटर लूप एंड टाइम्स रन करता है हर बार जब आउटर लूप रन करता है ऑन एवरेज हमारा इनर लूप भी एंड टाइम्स रन करता है एंड दैट इज़ वाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर अब इस कोड को एक बार रन करते हैं रन करने के लिए वील कॉल सिलेक्शन शॉर्ट लेट्स सेव इट रन, तो हमारे पास आउटपुट में जो एरिया आया है इट इज़ अ सॉटेड एरिया सो दिस इज हाउ सिलेक्शन सॉट वर्कस इन सी प्लस सो नेक्स्ट गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड इंसर्शन सॉट अब इंसर्शन सॉर्ट कम्स फ्रॉम द आइडिया ऑफ प्लेइंग कार्ड्स जैसे फॉर एक्जाम्पल कभी भी जनरली अगर हमने कार्ड गेम्स खेले होंगे तो कार्ड्स के अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स रिटर्न होते हैं लेट सपोज हमारे पास कार्ड नंबर्स आते हैं वन फोर एंड एट के इक्वल एंड उसके बाद हमारे पास एक कार्ड है नंबर टू जिसे हमें इस एग्जिस्टिंग पाइल या इस एग्जिस्टिंग स्टैक के अंदर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है तो हम जनरली क्या करते हैं पहले हम टू को इस एट से कंपेयर कर सकते हैं हमें पता चलता है कि टू एट से पहले आना चाहिए तो टू को दोबारा से हम फोर से कंपेयर करते हैं हमें पता चलता है टू फोर से छोटा है तो उसे और पहले आना चाहिए उसके बाद टू को हम वन से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है टू वन से बड़ा है तो डेफिनेटली टू को हम इंसर्ट करेंगे इन द मिडल ऑफ वन एंड फोर तो इस तरीके से हम अपने कार्ड्स को अरेंज करते हैं इन अ कार्ड गेम इसी सिमिलर लॉजिक के ऊपर हमारा इंसर्शन सॉर्ट वर्क करता है तो जैसे कार्ड्स के अंदर ऑलरेडी हमारे पास एक सॉर्टेड स्टैक या सॉर्टेड पाइल था उसके अंदर हमने एक न्यू कार्ड को अरेंज करने की कोशिश की एट इट्स करेक्ट पोजिशन तो वही सेम चीज हम इंसर्शन सॉर्ट में करते हैं हम अज्यूम करते हैं एरे का कुछ पार्ट सॉर्टेड है जिसके अंदर एक नए एलिमेंट को उसकी सही पोजिशन पर हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए वील स्टार्ट विद दिस एरे इस एरे के अंदर लेट सपोज हमारे पास एलिमेंट्स है फोर वन फाइव टू एंड थ्री अब इन एलिमेंट्स के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि ये तो हमारा सॉर्टेड पार्ट है एंड ये हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड पार्ट फॉर्म करता है और डेफिनेटली कभी भी अगर हमारे पास एक सिंगल इंटीजर हो वो ऑलरेडी सॉर्टेड इंटीजर ही होता है क्योंकि एक ही एलिमेंट है अब अनसॉर्टेड एरे से हम क्या करेंगे अपना फर्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे और उसे सॉर्टेड पार्ट के अंदर अपनी सही जगह पर अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए वी टेक एन एक्सटर्नल वेरिएबल कॉल्ड करंट करंट में हम अपने अनसॉर्टेड का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसे स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो करंट यहाँ पर आ गया एंड उसके बाद हम ये अज्यूम कर लेते हैं हम ये मान लेते हैं कि हमारी ये जो पोजिशन है वन वाली जो पोजिशन है वो अब खाली हो गई है खाली पोजीशन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि नंबर्स को हमें शिफ्ट करना पड़ सकता है वन को अपनी सही जगह पर पहुंचाने के लिए अब वन को ऑलरेडी हमने एक दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया तो हमें वन को आज सच यहाँ पे स्टोर करने की जरूरत नहीं है हम इस पोजीशन को खाली एज्यूम कर सकते हैं उसके बाद हम अपने सॉर्टेड पार्ट के सारे के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे विद दिस करंट और देखेंगे कि कहाँ पर हमारी सही पोजीशन एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए मतलब सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट्स के लिए हम कोई पॉइंटर ले सकते हैं कॉल्ड प्रीवियस मतलब ये हमारा करंट एलिमेंट है इसका प्रीवियस एलिमेंट ये हो जाएगा एंड हर बार हम प्रीवियस को यानी एरे ऑफ प्रीवियस को कंपेयर करते चले जाते हैं विद एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन यानी हर प्रीवियस को हम उसके अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर करते चले जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर ऑलरेडी वन स्टोर्ड है पर इस जगह को हम इस एज सच खाली मान सकते हैं क्योंकि करंट को हमने यहाँ पर भी स्टोर कर लिया है तो फोर को हम कंपेयर करेंगे जब वन के साथ तो हमें पता चलेगा वन की वैल्यू तो फोर से छोटी है मतलब वन को आगे आना चाहिए और वन को आगे आने के लिए जगह देने के लिए फोर को क्या करना पड़ेगा फोर को पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा तो वट विल एक्चुअली डू हम अपने फोर को शिफ्ट कर देते हैं पीछे की तरफ तो फोर की पोजीशन क्या हो जाएगी खाली हो जाएगी एंड फिर फाइनली हम वन को इस पोजीशन पर आकर स्टोर कर देंगे तो इस तरीके से हमारा अनसॉर्टेड पार्ट पार्टअप कितना हो जाएगा हमारा अनसॉर्टेड पार्ट पार्टअप एक नंबर से इंक्रीज हो जाएगा तो नेक्स्ट आइटेरेशन में क्या होगा नेक्स्ट आइटरेशन में हमारे पास वन फोर फाइव टू एंड थ्री होगा जिसमें ये हमारा सॉर्टेड पार्ट है एंड दिस पार्ट इज़ माई अनसॉर्टेड पार्ट अब इस अनसॉर्टेड पार्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा करंट बन जाएगा मतलब ये एलिमेंट इसे हमें इसकी सही जगह पर पहुंचाना है इन द सॉर्टेड पार्ट सॉर्टेड पार्ट के अंदर हम अपने प्रीवियस से अपने कंपेरिजन को करना स्टार्ट कर सकते हैं तो फोर को कंपेयर करेंगे फाइव के साथ मुझे पता है फोर फाइव से छोटा है तो फोर को यहीं आना चाहिए फोर को पीछे पुश होने की जरूरत नहीं है एंड हमें ये भी पता है कि शुरू का पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो जब हमें फोर के लिए पता चल गया फोर फाइव से छोटा है तो बाकियों के लिए हमें आज सा चेक करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि फोर अपनी करेक्ट पोजिशन पर है इसे यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है तो अब हमारा सॉर्टेड पार्ट इंक्रीज हो गया टू दीज नंबर्स उसके बाद थर्ड आइटरेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन फोर फाइव टू एंड थ्री जिसमें अब ये हमारा सॉर्टेड पार्ट है एंड ये हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है अनसॉर्टेड पार्ट के अंदर दोबारा से हम अपने करेंट एलिमेंट को निकालेंगे विच इज इक्वल टू टू एंड अपने प्रीवियस एलिमेंट को निकालेंगे विच इज इक्वल टू फाइव अब फाइव को सबसे पहले कंपेयर करेंगे टू के साथ फाइव डेफिनेटली टू से बड़ा है मतलब फाइव को यहां पर नहीं होना चाहिए तो फाइव को सही जगह पर पहुंचाने का मतलब है उसे एक आगे हम पुश कर देंगे तो बेसिकली हमें रिपीटेडली क्या करना है बेसिकली हमें रिपीटेडली ये करना है कि अगर हमारा एरे ऑफ प्रीवियस की वैल्यू बड़ी हो जाती है हमारे करंट वाले एलिमेंट से तो हम एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन में वैल्यू असाइन कर देते हैं एरे ऑफ प्रीवियस की दिस इज द एंटायर लॉजिक दैट वी आर ट्राइंग टू फॉलो जैसे हमारे गिवन एरे के अंदर हमारे पास फाइव यहाँ पर था हमारे पास टू यहां पर था दिस वॉज माई प्रीवियस अब एरे ऑफ प्रीवियस यानी फाइव ग्रेटर देन हो गया करंट यानी टू से तो उसका मतलब है इस प्रीवियस की वैल्यू को मुझे इसके अगले वाले इंडेक्स पे शिफ्ट करने की कोशिश करनी है तो फाइव को हम पीछे की तरफ शिफ्ट कर देंगे क्यों शिफ्ट हो रहा है ये अब ये जो शिफ्ट है मतलब यहाँ पर ऑलरेडी फाइव है बस उसे हमने एक और बार यहाँ पर कॉपी कर दिया है ये जो शिफ्ट है ये इसलिए हो रहा है ताकि हम अपने करंट को स्टोर करने के लिए जगह बना सकें अब हमारा प्रीवियस क्या करेगा हमारा प्रीवियस शिफ्ट हो जाएगा टू फोर अब हम फोर को कंपेयर करेंगे अपने करंट के साथ फोर भी करंट से बड़ा है मतलब हमें फोर को भी आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा तो फोर एक पोजिशन आगे शिफ्ट होगा तो फोर अब यहाँ पर आ जाएगा अब नेक्स्ट टाइम हम अपने प्रीवियस को अपडेट कर देंगे यहाँ पर तो वन को जब हम कंपेयर करेंगे करंट से हमें पता है वन करंट से छोटा है तो इस केस में हमें कोई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है मतलब हमारी जो सही पोजिशन थी वो हमें मिल चुकी है और वो हमें कहाँ मिली है वो हमें यहाँ पर मिली है तो हम अपने करंट को ले आएंगे अपनी सही पोजिशन पर मतलब यहाँ पर सो दिस इज वॉट आर सॉर्टेड पार्ट इज गोइंग टू लुक लाइक आफ्टर वन आइटेरेशन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट तो ये हमारा फर्स्ट आइटरेशन हो गया जिसके अंदर हमने अपने एरे को कन्वर्ट किया टू दिस वैल्यू इसके बाद हमारा सेकेंड आइटेरेशन आया जिसमें हमने ये कन्वर्जन किया इसके बाद हमारा थर्ड आइटेरेशन आया जिसके अंदर हमने ये कन्वर्जन किया फोर्थ आइटेरेशन में अब हम स्टार्ट करेंगे विद दिस अजम्प्शन की वन टू फोर फाइव ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं तो अब हमारे एरे के अंदर वन टू फोर फाइव ऑलरेडी सॉर्टेड पार्ट है सो दिस इज़ अनसॉर्टेड एंड दिस पार्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड तो हमें दोबारा से यही करना है हमारे करंट में इस बार आ जाएगा थ्री एंड हमारे प्रीवियस को दोबारा से हम फाइव के साथ स्टार्ट करेंगे तो थ्री के लिए जगह बनाने के लिए हमारे कुछ एलिमेंट्स को शिफ्ट होना पड़ेगा तो फाइव को पहले करंट के साथ कंपेयर करेंगे हमें पता है फाइव बड़ा है फाइव बड़ा है तो उसका मतलब फाइव हमारे यहाँ पर आ जाएगा और एक जगह बन जाएगी थ्री के लिए उसके बाद प्रीवियस को हम पीछे लेकर जाएंगे और फोर को करंट के साथ कंपेयर करेंगे फोर भी करंट से बड़ा है मतलब फोर को भी शिफ्ट होना पड़ेगा टू तो दिस प्लेस ताकि हम थ्री के लिए जगह बना सके उसके बाद हम प्रीवियस को और पीछे लेकर जाएंगे एंड देखेंगे क्या टू हमारे करंट से बड़ा है टू करंट से बड़ा नहीं है मतलब यहाँ पर हम लूप को रोक सकते हैं एंड थ्री को उसकी सही जगह पर हम लेकर आ सकते हैं विच इज दिस प्लेस आफ्टर दिस आइटेरेशन हमारा एरे हो जाएगा वन टू थ्री फोर एंड फाइव जिसमें ये पूरा का पूरा एरे अब सॉर्टेड एरी के अंदर कन्वर्ट हो गया तो यहां पर भी हम एक तरीके से अपने सॉर्टेड हिस्से को धीरे 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 करके इंक्रीज कर रहे हैं और हर बार अपने अनसॉर्टेड हिस्से के फर्स्ट एलिमेंट को अपने सॉर्टेड हिस्से के अंदर करेक्ट पोजिशन के अंदर प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल हमारा सूडो कोड क्या रहेगा हमने वन टू थ्री एंड फोर आइटरेशन में अपने कोड को रन किया फोर हमारा अनसॉर्टेड हिस्सा यहाँ पर आई इज इक्वल टू वन से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर आई इज इकल टू टू से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर आई इज इक्वल टू थ्री से स्टार्ट हो रहा है तो दर इज अ पैटर्न दैट वी कैन नोटिस तो बेसिकली हमारे सूडो कोड के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर आउटर लूप हमें पता है हमारा आउटर लूप एन माइनस वन टाइम्स रन करना चाहिए तो हम अपने आउटर लूप को आई इज इक्वल टू वन से लेकर आई लेस देन एन आई प्लस प्लस तक लेकर जाएंगे और ये हमने इंटेंशनली किया इंटेंशनली मतलब इसको हमने जीरो की जगह वन से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हम अपने आई को अपने अनसॉर्टेड हिस्से का फर्स्ट एलिमेंट दिखाना चाहते हैं तो दैट इज वाई वी एव स्टार्टेड आर लूप लाइक दिस फिर हम अपना एक करंट वेरिएबल ले सकते हैं जिसको हर बार हम शुरू करेंगे अपने आई से तो आई को करंट के अंदर हमने स्टोर करा लिया एंड एक प्रीवियस ले लेंगे और प्रीवियस हर बार हो जाएगा आई माइनस वन जैसे ये अगर हमारा करंट एलिमेंट है तो हमेशा प्रीवियस उसका पहले वाला एलिमेंट होने वाला है फिर हम एक लूप चलाने वाले हैं एंड इस लूप को हम वाइल लूप की फॉर्म में रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक वाइल लूप होगा जो बेसिकली बैकवर्ड्स रन करेगा जब भी हम अपने सॉर्टेड हिस्से को ट्रैवल करना चाहते हैं हमने एक तरीके से बैकवर्ड्स रन कर रहे हैं अपने प्रीवियस को तो हमारा लूप तब, तब तक चलेगा जब तक हमारे प्रीवियस की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो जीरो एंड जब तक हमारा एरे ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन माय एरे ऑफ करंट तब तक हमें क्या करना है तब तक हमें दो काम करने हैं सबसे पहला अपने एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन को असाइन कर देनी है वैल्यू एरिया ऑफ प्रीवियस की यानी वन फोर फाइव एंड टू के अंदर अगर फाइव हमारा प्रीवियस है तो प्रीवियस की वैल्यू अब उसके नेक्स्ट इंडेक्स पर चली जाएगी कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद प्रीवियस को हम कर सकते हैं माइनस माइनस बैकवर्ड लूप एंड फाइनली अब हमें करंट को उसकी सही जगह पर पहुंचाना पड़ेगा तो करंट की सही जगह होती है प्रीवियस प्लस वन वाला इंडेक्स तो एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इज गोइंग टू बी इक्वल टू करंट तो इस तरीके से हमारा जो पूरा लूप है वो वर्क करने वाला है सो दिस इज लॉजिकली वोट द सूडो कोड ऑफ इंसर्शन सॉर्ट लुक्स लाइक हम एक करंट को पिक करते हैं हम अपने सॉर्टेड हिस्से का प्रीवियस मार्क करते हैं सॉर्टेड हिस्से के अंदर हम बैकवर्ड्स फॉर्म में ट्रैवल करते हैं और चेक करते चले जाते हैं जगह बनाते जाते हैं अपने किसके लिए अपने करंट एलिमेंट की सही पोजिशन के लिए जब तक हमारा एरिया ऑफ प्रीवियस करंट एलिमेंट से बड़ा है तब तक हम उन सारे एलिमेंट्स को आगे की तरफ पुश करेंगे तो बीच में एक जगह क्रिएट हो जाएगी और वो जगह एग्जैक्टली exactly इंडेक्स प्रीवियस प्लस वन के ऊपर क्रिएट होगी सो दिस इज वॉट इंसर्शन सॉर्ट लुक्स लाइक एक बार इसका कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं कोड के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड वाइड इंसर्शन सॉट इंसर्शन शॉर्ट के अंदर एक हमारे पास हमारा एरिया आएगा एंड एक इंटीजर एन आने वाला है सबसे पहले हम अपना लूप रन करेंगे आई इज इक्वल टू वन से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस हर बार एक तो हमें अपना करंट एलिमेंट लेना है विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू एरिया ऑफ आई साथ में वी आर गोइंग टू टेक अ प्रीवियस प्रीवियस इज गोइंग टू बी i माइनस वन की इक्वल फिर हमें अपना वाई लूप चलाना है जब तक हमारा प्रीवियस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जब तक हमारे एरे ऑफ प्रीवियस की वैल्यू इज ग्रेटर देन करंट क्योंकि जब तक एरे ऑफ प्रीवियस की वैल्यू ग्रेटर देन करंट है तभी हमें जगह बनाने की ज़रूरत है नहीं तो करंट अपनी सही पोजिशन पर ऑलरेडी आ चुका होगा तो यहाँ पर एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन को हम असाइन कर देंगे वैल्यू एरे ऑफ प्रीवियस एंड प्रीवियस, प्रीवियस को कर देंगे हम माइनस माइनस उसके बाद लास्ट में करंट को अपनी सही जगह पर पहुंचाने के लिए एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इज गोइंग टू बी इक्वल टू करंट सो वी आर बेसिकली प्लेसिंग द करंट एलिमेंट इन इट्स करेक्ट पोजिशन ये हमारा ओवरऑल कोड है फॉर इंसर्शन सॉट इसमें आउटर लूप एंड टाइम्स रन करेगा एंड ये जो इनर लूप है वाइल वाला ये भी ऑन एवरेज एंड टाइम्स रन करेगा फॉर वन आल्टरेशन ऑफ आउटर लूप तो इंसर्शन सॉर्ट की भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज इक्वल टू बिग ऑफ एन स्क्वेयर तो यहाँ पर कॉल करते हैं इंसर्शन सॉर्ट को लेटर सेव दिस एंड रन आर कोड

जो हमारा कंपैरिजन है मेन कंपैरिजन फॉर असेंडिंग ऑर्डर वो यहाँ पर हो रहा है इसी को अगर ग्रेटर देन की जगह हमने लेस देन के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो इस बार हमारा जो एरिया आएगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज होकर आएगा सिमिलरली सिलेक्शन शॉट के अंदर कम्पेरिजन कहाँ हो रहा है सिलेक्शन शॉट के अंदर इस इफ स्टेटमेंट के अंदर हो रहा है इसको अगर हमने ग्रेटर देन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर हमने अगर सिलेक्शन शॉट को कॉल किया तो इस केस में क्या होगा हमारे एरे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज होकर आएगा एंड सिमिलरली बबल सॉट के अंदर भी इस कंपैरिजन को अगर हमने रिवर्स कर दिया और यहाँ पर इफ वी कॉल बबल सॉट तो भी हमारा एरे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट होकर आ जाएगा तो जरूरी नहीं है एक अलगोर्दम को हम सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर के लिए कर सकते हैं हम उसके अंदर कंडीशन को स्वॉप करके कंडीशन को चेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर की अलगोर्दम उसी सेम लॉजिक से क्रिएट कर सकते हैं तो आज के लेक्चर के अंदर एक हमने सीखा कि वट एग्जैक्टली सॉर्टिंग एंड सॉर्टिंग की जो तीन बेसिक टेक्निक्स होती हैं उनको हमने कवर किया तो वी कम्प्लीटेड बबल शॉट वी कम्प्लीटेड सिलेक्शन शॉट एंड वी कम्प्लीटेड इंसर्शन शॉट इसके साथ में वी ऑल्सो सो कि इन एलगोर्डम्स को अगर इंक्रीजिंग के लिए करते हैं तो इन्हें हम डिक्रीजिंग के लिए भी किस तरीके से कर सकते हैं अब आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम ये होगा यू हैव टू टेक एन एरे एज एन एग्जाम्पल या इनफैक्ट जो हमारा गिवन एरे है जो हमारे पास सवाल में गिवन है फोर वन फाइव टू एंड थ्री इसी एरे के ऊपर इनका जो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला कोड है उसे आपको ड्राई रन करना है तो इस एरे पर यू हैव टू ड्राई रन फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर कोड ऑफ थ्री एल्गोरिथम्स और ये ड्राई रन जब हम करेंगे तो इन एल्गोरिथम्स का जो लॉजिक है वो हमें और बेटर तरीके से समझ में आने वाला है क्योंकि सिलेक्शन शॉट इंसर्शन शॉट बबल शॉट ये ऐसे अलगोर्दम्स हैं जिनका लॉजिक फिक्स होता है जिन्हें ऑलरेडी बहुत सालों पहले बनाया जा चुका है तो इनके अंदर आज सच सोचने का कुछ नहीं है हमें बस इन एल्गोर्दम्स के लॉजिक को याद रखना है और याद रखने का बेस्ट तरीका है कि हम ड्राई रन करके प्रैक्टिस कर लें असेंडिंग के अंदर ऑलरेडी क्लास में हम देख चुके हैं डिसेंडिंग के अंदर कैसे लॉजिक वर्क कर रहा है तो वो हमारे जो अलगोर्दम्स का रिकॉल है उसको इम्प्रूव करने वाला है तो आई होप कि आज के लेक्चर से हमने अपनी तीन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को कवर कर लिया और ये हमें अच्छे से समझ में आई होंगी इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर यू कैन मार्क योर अटेंडेंस इन द कमेंट्स हम वहां पर कंप्लीटेड लिख सकते हैं एंड इसके साथ में यू कैन ऑलो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा साथ के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देर इज वन मोर लिंक फॉर अ कंपनी वाइज डीएसए शीट जिसके अंदर जाकर हम टॉपिक वाइज अपने 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 क्वेश्चन डी क्वेश्चन को जाकर सॉल्व कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग